पूछना चाहूंगी, टेल मी सम इंसिडेंट्स ना, कुछ किस्से बताइए आप, परेश जी ऋषि जी एक साथ जब होते हैं तो आपको क्या, आपकी क्या फेवरेट यादें हैं शूटिंग के दौरान की कुछ? नहीं, जब ऋषि जी और परेश जी साथ में होते तब मुझे कुछ करना नहीं होता है जी, मैं सिर्फ कैमरा एक्शन इतना बोल देता हूँ, वो कर लेते हैं। मतलब इट्स अ ड्रीम कम ट्रू कि इतने बड़े दो एक्टर, अलग अलग एक्टिंग स्कूल के एक्टर्स, और इतने नेचुरल, इतने एफर्टलेस, जिन्होंने मेरे साथ मेरे डायरेक्शन के अंडर काम करने के लिए मुझे तैयार हुए, वो उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। और मैंने काफ़ी एक्टरों के साथ काम किया है, मेरी ये 30th फिल्म एज अ राइटर डायरेक्टर सब मिलके, लेकिन इस तरह की दो एक्टिंग स्कूल को साथ में कैमरा के साथ में मैंने जो एंजॉय किया है वो कभी नहीं किया। आई एम रियली रियली वेरी थैंकफुल। एंड एक्सपीरियंसेस तो ऐसे हैं कि ऋषि जी से फर्स्ट टेक में ओके हो जाता है, परेश जी का फर्स्ट टेक में ओके हो जाता है, पता ही चलता नहीं कब शूटिंग होती है। और सबसे मज़ेदार बात यह कि पायल जो है वो बंगाली है, वो गुजराती प्ले कर रही है, वीरदास से जो आधे बिहारी और आधे बंगाली है वो पंजाबी प्ले कर रहे हैं, और ऋषि जी तो पंजाबी है तो पंजाबी कर ही रहे हैं, परेश भाई है वो गुजराती प्ले कर रहे हैं, भारती आचे अगर मराठी है वो गुजराती प्ले कर रही है, तो मतलब पूरा नेशनल इंटीग्रेशन का यहाँ पे हमारे पास पूरा मौका था। एंड इस फिल्म में सबसे बड़ा मैसेज भी यही है कि हम भले कल्चरली अलग अलग हो, हमारी स्टाइल, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी ज़िंदगी के देखने के नज़रिए अलग हो, लेकिन हम सब के साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है और वो है इंडियननेस। और उस बात को हमने हंसते खेलते इस फिल्म में दर्शाने की कोशिश की। आई एम वेरी हैप्पी, इट्स अ वेरी वेरी क्लीन फैमिली एंटरटेनर, और सारी फैमिली देख के इसको एंजॉय कर सकती है। क्या बात है। हमने अभी एक बात कही थी कि हम बहुत, जो कैरेक्टर होते हैं पंजाबी या गुजराती, उनको बहुत स्टीरियोटाइप बना देते हैं। पंजाबी होगा तो पैक ही मारेगा, गुजराती होगा तो वो गाठिया ही खाएगा, तो आपका क्या मानना है इस बारे में? मतलब उनको गाठिया खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा, आपने फिल्म, आपने ट्रेलर देखा, मैंने इसमें कोई कैरिकेचरिश आइटम डालने की कोशिश नहीं की है। और फिर से एक बार कहता हूँ कि ऋषि जी ने और परेश जी ने उस तरह निभाया है कि वो उस तरह का लाउड, कि बार बार जो फिल्मों में हम देखते हैं पगड़ियाँ बांध के, उस तरह का नहीं किया, जैसे नॉर्मल हम लाइफ में होते हैं वैसे ही किया हुआ है। और अगर कोई कल्चर में ऐसा है कि वो गाठिया फरसान खाते हैं या चिकन और शराब पीते हैं, तो उसी को दिखाएंगे ना हम, कोई मार्स या मंगल से तो कैरेक्टर आएंगे नहीं। बट मैंने कोशिश की है कि इसको कैरिकेचरिश, इसको कार्टूनिस्ट ना बनाया जाए। परेश सर, संजय सर, ओवर, सो एज अ डायरेक्टर इफ वी आस्क यू, इज इट, वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू टू डायरेक्ट बोथ ऋषि सर एंड परेश रावल ऑन द बिग स्क्रीन? यू नो, दिग्गज है सिनेमा इंडस्ट्री के, एंड देन अ फिल्म टुगेदर, हाउ वाज दिस एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद देम? आपको लगता है कि पब्लिकली मैं इसका जवाब दूंगा? कुछ तो बता सकते हैं। मेरी ये मतलब मजाल नहीं, इट वाज नॉट डिफिकल्ट, डेफिनेटली आई वाज नर्वस इनिशियली, लेकिन उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे बहुत ही कंफर्टेबल फील करवाया। और आजकल के बहुत से एक्टर्स बहुत सारे सवाल पूछते हैं स्क्रिप्ट को लेकर, सीन्स को लेकर, डायलॉग्स को लेकर, ये इतने तैयार एक्टर हैं कि उनको कभी कुछ मुझे बताना नहीं पड़ा। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि ऋषि जी ने यहाँ एक, आपने ट्रेलर में देखा होगा कि वो कहते हैं कि जब तू घूंघट उठाएगा तो अंदर से आवाज़ आएगी कि वाला हूँ तो ना प्रेम करूँ छू, ये ऋषि जी का सजेशन था कि गुजराती में कैसे कहते हैं, यू नो। और परेश भाई के साथ मैंने बहुत काम किया है, मेरी ये 7वीं 8वीं फिल्म में। आई मस्ट से कि परेश रावल इज़ द ओनली एक्टर आई हैव सीन इन माई करियर ऑफ 30 फिल्म इन सो मेनी ईयर्स, कि वो पहली बार भी अगर सीन पढ़ेंगे तो हमने सोचा है उससे ज़्यादा ही पढ़ते हैं। मतलब उन्होंने जैसे 10वीं बार ये रिहर्सल किया है, तो इन दोनों एक्टर के साथ काम करने में नर्वसनेस डेफिनेटली थी, लेकिन मज़ा बहुत आया और उन्होंने मुझे कंफर्टेबल किया, मैं उसके लिए आभारी हूँ। Okay.